आज शुभारंभ होने जा रहा है, आज एक बड़े युद्ध का, याद रखिएगा, सितंबर महीना आपके जीवन के लक्ष्य की ऊंचाइयों के पर जाने का एक बड़ा महीना होगा, जब आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होगा। निश्चित तौर पर दोस्त, यूपी ट्रिपल एससी पेट के महत्वपूर्ण सीरीज के साथ चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार आपके लक्ष्य की ऊंचाइयों के लिए तत्पर है, और हम सभी लोग मिलकर के लगातार आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और ये क्लास आपको मॉर्निंग में 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, बिल्कुल एक शेड्यूल के हिसाब से आपके प्रॉपर सभी सब्जेक्ट्स के क्लास आपको प्रोवाइड होंगे। और हां, जरूरत है किसका? उस जुनून का, जरूरत है आपके अंदर उस आग का, जो पेट में मैक्सिमम अंक को ला सके, जो पेट में आपको मैक्सिमम अंक दिला सके। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस बार लखपाल के एग्जाम में वो ढेर सारे, मतलब ढेर सारे के मतलब 90% पेट के विद्यार्थी जो कि नहीं बैठ पाए लखपाल में, क्योंकि उनका नंबर कम था यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो इतना चढ़ा करके मेरिट रखना है, अपने अंक को वहां पहुंचा करके रखना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम कराए और आप उसको चुटकियों में सॉल्व करो। ये आपके अंदर जुनून चाहिए और यही लक्ष्य लेकर के चलना है। और इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण क्लास का हम श्री गणेश करेंगे। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप मैक्सिमम का कमेंट आ रहा है, चलिए आप मैक्सिमम का कमेंट्स भी आने लगा है। चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बाबा विश्वनाथ जी की धरती से बस यही प्रार्थना करेंगे कि वो कम समय में आपको आपके मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आइए दोस्त, लेंगे सीरीज का सेशन का क्वेश्चन ब्रेक। कह रहा कि आपको बताना है, देखिए आपको प्रश्न पढ़ना है। कह रहा पॉलीथ्रीन एक है, अब आपको बताना कि पॉलीथ्रीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि यह एक पीड़ा नाशक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि यह एक पेशी शिथिलक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह मच्छर विकर्षक है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या यह एक केश रंजक है। यह जीके का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको कमेंट करना और कमेंट करके बताना है, कमेंट करना और कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है। चलिए आप मैक्सिमम का कमेंट आते रहना चाहिए, चलिए आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे और आप मैक्सिमम का कमेंट्स आने भी लगा है। और आप मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम का कमेंट एक के लिए कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं किसका, पॉलीथ्रीन का, तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है दोस्त कि पॉलीथ्रीन यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का कीटनाशक है। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, वो डायरेक्ट वो ऑप्शन में यहां पर ये दे सकते थे कि यह एक प्रकार का है और ये ऑप्शन में जो अन्य प्रकार से उलझाया गया है ये कीटनाशक हो सकता था। आप याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है। अब पूछेगा ये कैसा कीटनाशक है या ये किसके लिए है, तो आप याद रखिएगा यह एक मच्छर विकर्षक है। बोलो दोस्त क्या है, तो यह एक मच्छर विकर्षक है, यह बात आपको याद रखनी है। यह इसका सेकेंड बात हो गया। अब देखिए तीसरी बात क्या है कि जो स्तनधारी होते हैं, मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि ये स्तनधारी और खास करके जो छोटे होते हैं जीव, उनके लिए लगभग लगभग 2000 गुना से ज्यादा ये, मतलब आप इसको अगर एकदम सरल शब्दों में अगर मैं लिखना चाहूं तो याद रखिएगा यह एक तेज कीटनाशक है, यह एक तेज कीटनाशक है जिसका प्रयोग मच्छरों और इसके अलावा अन्य प्रकार के छोटे जीव जैसे काकरोच होते हैं, दीमक होते हैं, इनकी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, एक का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक मच्छर विकर्षक है। चलिए आप मैक्सिमम ने एक सिरे से जवाब दिया, आप मैक्सिमम ने एक सिरे से जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी। और इसका राइट जवाब भी क्या है, इसका राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यस 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 यस। चलिए फास्ट कमेंट करते रहेंगे और सेशन को हम आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आएंगे देखेंगे दोस्त सेशन का क्वेश्चन नंबर टू, पढ़ेंगे क्या कह रहा है। देखिएगा सेशन का क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं और देखिएगा ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दो के क्रम पर आते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। आपको बताना है, जीके का तगड़ा प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है। ए कह रहा कि क्लोरपाइरिफास है, बी कह रहा कार्बन डाइजीम है, कह रहा सी कह रहा क्या रहा किनला
फांस है और डी कह रहा है कि क्या ब्यूटा क्लोर है, आपको बताना है, सही जवाब कमेंट करना और कमेंट करके बताना है। तो देखिए अगर हम जैसे बात करते हैं इसका कि कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, तो शाकनाशी वो होगा जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, आप याद रखेगा, शाकनाशी वह होगा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा रसायन। बोलो दोस्त क्या होगा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा क्या, रसायन। और अगर हम बात करें तो शाकनाशी वो होगा जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से याद रखेगा क्या, खरपतवार, क्या खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता होगा। तो आप याद रखेगा इसका मुख्य कार्य क्या होता है, खरपतवार, खरपतवार, यह मुख्य रूप से खरपतवार को नष्ट करने वाला, खरपतवार को नष्ट करने में आप ये याद रखेगा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद याद रखेगा क्या, ये जो ब्यूटा क्लोर है, ये जो ब्यूटा क्लोर है, ये ब्यूटा क्लोर एक उच्च स्तरीय, आप याद रखेगा क्या, ये उच्च स्तरीय, ये आप याद रखेगा, यह एक उच्च स्तरीय, यह एक उच्च स्तरीय रसायन है, यह एक उच्च स्तरीय रसायन है। और अगर आप पूछेगा कि इसका सर्वाधिक प्रयोग, तो देखिए इस समय चल रहा है खरीफ की फसल, कौन सी फसल चल रहा है, खरीफ की फसल, और ये खरीफ की फसल आप याद रखेगा में सबसे ज्यादा, और वो खास करके किस फसल में, तो खास करके ये धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ब्यूटा क्लोर होगा, और ये धान की फसल में प्रयोग किया जाता है, एक उच्च स्तरीय रसायन है जो खरपतवार को नष्ट करने में मदद करता है, और ये एक प्रकार का क्या है, शाकनाशी है। तो राइट जवाब क्या होगा, आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बोले क्लियर हो गया, मैक्सिमम जवाब दीजिए, क्लियर हो गया, यस 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 यस, क्या बात है, क्या बात है, चलिए बिल्कुल, आइए आगे की ओर चलते हैं। अच्छा कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं डी फॉर धोखा। आप देखो दोस्त पहले मन लगा करके पढ़ लीजिए, ये धोखा और ये जो दुनियादारी है ये अपने जीवन से कुछ दिन के लिए दूर करो, उसके बाद जिस दिन आप सफल हो गए, धोखा का डी शब्द भी आपके सामने कोई बोलने से डरेगा, इस बात को याद रखना दोस्त। आइए आगे बढ़ाते हैं सेशन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कह रहा इस परिघटना को क्या कहते हैं, आपको बताना यह परिघटना क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि यह फास्फोरेंस कहलाती है, कह रहा कि बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है, सी कह रहा ए और बी दोनों के नाम से जानी जाती है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या ये इनमें से कोई नहीं जानी जाती है, तो आपको बताना है। देखिए अगर हम ये कहें कि समुद्रों में तो बहुत सारे कीट, बहुत सारे जीव एवं जो कीट होते हैं, याद रखिएगा ये क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब बताइए अगर हम आपसे बात करें कि कोई भी जीव जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, कोई भी जीव जो प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखता है वो किसके नाम से जाना जाएगा, तो आप बहुत स्पष्ट याद रखिएगा वो जीव जाना जाता है किसके नाम से, जीव दीप्ति के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, जीव दीप्ति के नाम से जाना जानते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, जीव में प्रकाश उत्पन्न, जीव में प्रकाश उत्पन्न करने की जो क्षमता, प्रकाश उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश दीप्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश दीप्ति बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए मतलब प्रकाश दीप्ति बोलते हैं, अब अगर कहीं इसी शब्द को और जीव दीप्ति शब्द का भी संबोधन किया जा सकता है, या जीव दीप्ति शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, आप याद रखिएगा। अब ये एक अंग होता है, एक खास करके एक अंग होता है जिसको फोटोफेर बोलते हैं, एक अंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप याद रखिएगा, एक अंग पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोफेर बोलते हैं, फोटोफेर के नाम से जानते हैं। और ये जो फोटोफेर होता है, ये जो या इसको हम फोटोफोर के नाम से भी जानते हैं, ये जो होता है ये खास करके क्या करता है, एक ऐसे एंजाइम का उत्पादन करता है जो प्रकाश तत्व के माध्यम से जैव रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, और यही जो जैव रासायनिक अभिक्रिया करता है यही चीजें क्या होती हैं, प्रकाशमान हो जाती हैं, और ये होता है बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो आपका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीन राइट जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलिए जवाब दीजिए, यस यस यस, चलिए बिल्कुल
हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस जान होगा आपका किसका, आपकी सफलता का। प्रैक्टिस जान होगा आपके मुकाम तक पहुंचने का। तो इसका तीन का राइट जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। आएंगे नेक्स्ट सेशन का क्वेश्चन नंबर चार लेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार आपसे कह रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। आपको बताना कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा माल्टोज होता है, बी कह रहा कि राइबोज होता है, सी कह रहा लैक्टोज होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि क्या यह फ्रक्टोज होता है। आपको सही जवाब कमेंट करना और कमेंट करके बताना है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और कह रहा कि क्या फ्रक्टोज। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि फलों के मीठा होने का, तो आप याद रखिएगा मोनोसैकेराइड जो होता है मुख्य रूप से कौन, तो आप याद रखिएगा मुख्य रूप से जो होता है मोनोसैकेराइड जो होता है ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है किसमें, तो ये एक प्रकार का आप याद रखिएगा जो मोनोसैकेराइड होता है ये भूमिका निभाता है फलों के मीठा होने में। लेकिन अगर कहा जाए कि मीठा किसके कारण होता है, जैसे अगर आपसे कह दे कि मीठा किसके कारण होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे आपके शरीर में आपने पढ़ा होगा कि हमको आपको कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। तो शुगर में मात्रा बढ़ जाती है किसकी, तो आप याद रखिएगा शुगर में मात्रा बढ़ जाती है शर्करा की। तो इसका मतलब अगर कोई फल मीठा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें उत्पन्न होना चाहिए क्या, उसमें उत्पन्न होना चाहिए शर्करा। और शर्करा अगर आपसे कहा जाए फलों में कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा फ्रक्टोज होता है। इज द राइट जवाब क्या होगा, इज द राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि फ्रक्टोज एक प्रकार का शर्करा है जिसके कारण मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है और हमारा जो फल होता है वो मीठे स्वाद में बदल जाता है। तो चार का राइट जवाब क्या होगा, चार का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बोले क्लियर हुआ दोस्त, यस यस यस, क्या बात है, तगड़े तरीके से जवाब दे रहे हैं। देखो दोस्त मैं एक ही बात कहूंगा, मंजिल आपकी है, लक्ष्य आपका है, उड़ान आपको भरना पड़ेगा, उड़ान आपको भरना पड़ेगा। निश्चित तौर पर पक्षी, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, पक्षियों के जो बच्चे होते हैं ये जब पंख फैला करके उड़ने का प्रयास करते हैं न जाने कितने बार गिरते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य में उड़ना होता है और एक दिन ये आसमान चूम करके दिखाते हैं, अपने जीवन की अधिकतम ऊंचाई तक जा करके दिखाते हैं। निश्चित तौर पर वही जुनून चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं ये एक आम बात है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बताइए प्रश्न पढ़ेंगे, कह रहा विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में लगभग 15 बार से ज्यादा ये पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त घास फूस है, और ये पूछ रहा है कहां पर, तो आपको बताना विश्व के संदर्भ में आपको इसका राइट जवाब देना है। चलिए तो आपको बताना है क्या इकोर्निया है, करा ट्रैपा है, करा वुल्फिया है, और ऑप्शन नंबर डी करा कि क्या ये एजोला है। आपको कमेंट करना और कमेंट करके इसका राइट जवाब आपको बताना है। चलिए आप मैक्सिमम का जवाब आप आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दें आवाज सही है, क्लियर है। एक बार एनीडेक्स कनेक्ट हो जाए, संप्रास एनीडेक्स देखिए एक बार चेक करिए। चलिए एक बार चेक करेंगे कि आवाज क्लियर है। चलिए मैं जस्ट वन एक बार लिखेंगे क्या आवाज सही से आ रही है। एक बार बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, हो गया कनेक्ट है, एनीटेक्स कनेक्ट हुआ, तो जल्दी 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 बस जस्ट वेट करेंगे सारी चीजें अभी नॉर्मल हो जा रही है। अरे वो फोन था वो
बस जस्ट इंतजार करेंगे चीजों को आगे क्यों लेकर के चलते हैं। चलिए वो तो मैंने बंद किया था, मैं फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। आ गई आवाज, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो कमेंट करेंगे। एक बार कमेंट करेंगे क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज सही है, आ रहा था चला गया। जा रही है बहुत स्लो। एक बार कमेंट करेंगे। हेलो, पहले जैसे स्लो थी वैसे ही, जस्ट थोड़ा सा इंतजार करेंगे बस एक मिनट, और अगर स्लो आवाज आ रही है तो बस बस धैर्य बनाए रखेंगे, चीजें अभी सही हो जा रही हैं।
बार कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर देंगे। यस यस, जो आ रही थी वो भी चली गई। हेलो 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 हेलो